लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। 18 साल के आल्दी नोवेल आदेलांग जुलाई महीने में इंडोनेशियाई समुद्र तट से तकरीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर एक फिशिंग हट यानी मछली पकड़ने के लिए बनी झोपड़ी नुमा नाव में थे। इसी समय अचानक तेज हवाएं चलने लगी और नाव का लंगर टूट गया। नतीजा, आल्दी की फिशिंग हट बेकाबू हो गई और हजारों किलोमीटर दूर गुआम के पास जाकर रुकी। हालात ऐसे थे कि आल्दी का जिंदा बचना मुश्किल था, लेकिन खुशकिस्मती से पनामा के एक जहाज ने उन्हें 49 दिनों बाद सुरक्षित बचा लिया। इंडोनेशियाई के सुलावेसी द्वीप समूह के रहने वाले आल्दी एक रोमपोंग पर काम करते थे। रोमपोंग मछली पकड़ने वाली एक नाव होती है जो बिना किसी पैडल या इंजन के चलती है। आल्दी का काम नाव पर उस खास लैंपों को जलाना और उनकी देखरेख करना था, जिसकी वजह से मछलियां नाव की तरफ आकर्षित होती हैं। मछली पकड़ने के लिए बनाए इस झोपड़ी नुमा नाव को समंदर में रस्सियों के सहारे चलाया जाता है। 14 जुलाई को जब तेज हवाओं की वजह से आल्दी की नाव बेकाबू हुई, उनके पास बहुत कम खाना बचा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया। आल्दी ने मछलियां पकड़ी और नाव पर बने लकड़ियों के बाड़ जलाकर उन्हें पकाया। अभी ये पता नहीं चला है कि आल्दी ने पानी का इंतजाम कहां से किया।